हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे यूएसबी पेन ड्राइव और यूएसबी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं वाईफाई राउटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक टीपीलिंक आर्चर C5 वाईफाई राउटर है। एक्चुअली में ये यूएसबी वाईफाई राउटर है। इसमें एक यूएसबी पोर्ट होता है जिसपे हम स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क में शेयर हो जाता है और वायरलेस नेटवर्क में और वायर्ड नेटवर्क में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पेन ड्राइव है और उसके अलावा मेरे पास एक यूएसबी हार्ड डिस्क है। तो इन दोनों को मैं 1x1 कनेक्ट करूँगा यूएसबी पोर्ट से। और मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो लैन केबल के थ्रू इस वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है, और एक लैपटॉप है जो वायरलेसली कनेक्टेड है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप से हम इस स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करेंगे वाईफाई नेटवर्क में और वायर्ड नेटवर्क में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंडिकेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक यूएसबी पोर्ट का इंडिकेशन होता है। तो जब हम इसमें यूएसबी पेन ड्राइव या यूएसबी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और राउटर के बैक साइड पे एक यूएसबी पोर्ट होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो इसमें सबसे पहले मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यूएसबी पेन ड्राइव को कनेक्ट करूँगा तो यूएसबी का जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये ऑन हो गया है। तो चलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में चलते हैं और इसके वेब पेज को लॉगिन करते हैं। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.4 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो एक्चुअली ये वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस से हम वाईफाई राउटर के वेब पेज को लॉगिन करेंगे। और उसके अलावा मेरे पास ये लैपटॉप है जो वायरलेसली कनेक्टेड है इस वाईफाई राउटर से, और इसको मैंने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है टाइट वीएनसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वाईफाई राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा वाईफाई राउटर है टीपीलिंक आर्चर C5। ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और इससे डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड है लैन केबल के थ्रू और एक लैपटॉप वायरलेसली। तो यहाँ पर देखिए, हमने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है तो ये इंडिकेशन शो कर रहा है 1। तो जब मैं इस यूएसबी डिस्क पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल शो करेगा। देखिए, टोटल साइज़ 3.8 GB, मीन्स 4 GB की पेन ड्राइव को हमने कनेक्ट किया हुआ है और अवेलेबल स्पेस शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है यूएसबी शेयरिंग, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। तो ये पेन ड्राइव का टोटल साइज़ शो कर रहा है और यहाँ से हम पेन ड्राइव को सेफली रिमूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप से पेन ड्राइव को सेफली रिमूव करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इसका नेटवर्क नेम है। तो इस नेम से हम इस यूएसबी स्टोरेज को वाईफाई नेटवर्क में और वायर्ड नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। इस नेम को हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शेयर अनेबल्ड है और ऑथेंटिकेशन भी अनेबल्ड है, और ये शेयर फोल्डर नेम है। तो जब हम इस पेन ड्राइव को एक्सेस करेंगे वाईफाई नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क में तो ये शेयर फोल्डर नेम शो करेगा। तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर रन में जाके यहाँ पर टाइप करेंगे /archer_C5। ओके, तो ये देखिए, ये शेयर फोल्डर शो कर रहा है। तो इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यूज़र नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो यूज़र नेम में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एडमिन रहेगा और पासवर्ड वाईफाई राउटर का लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं एडमिन टाइप करता हूँ और वाईफाई राउटर का लॉगिन पासवर्ड। तो ये देखिए, ये पेन ड्राइव एक्सेस हो चुकी है। और इसके अलावा अगर मैं इस ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर देता हूँ तो यूज़र ने पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा,
तो यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ लैपटॉप से इसको एक्सेस करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये देखिए ये शो कर रहा है आर्चर अंडरस्कोर C5, इसको एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए एक्सेस हो गया है, इसने यूज़र ने पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं किया है। और उसके अलावा अगर शेयर ऑल ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो इस पेनड्राइव को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे नेटवर्किंग में। तो अगेन मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए शेयर फोल्डर शो नहीं कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ शेयर ऑल को, तो यहाँ पर ये शो करेगा, ये देखिए। और उसके अलावा हम इस USB स्टोरेज को IP एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इस आर्चर अंडरस्कोर C5 को पिंग करता हूँ, तो ये देखिए रिजोल्व हो जाता है 192.168.1.1, जो इस वाईफाई राउटर का IP एड्रेस है। तो इस IP एड्रेस से भी एक्सेस कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम एक्सेस हो गया है IP एड्रेस से। तो यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर देता हूँ अभी। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस होती हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं एडवांस्ड, USB शेयरिंग, USB स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पर डाउन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट ऑप्शन है। तो अभी हम इस USB पेन ड्राइव को एक्सेस करने के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन यूज़ कर रहे थे और पासवर्ड वाईफाई राउटर का लॉगिन पासवर्ड यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ से हम ये क्रेडेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़ न्यू अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इसको कंफर्म कर लेते हैं, सेव। तो अगेन इस USB स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करते हैं, नेटवर्क आर्चर अंडरस्कोर C5। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप ये देख सकते हैं एक्सेस हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा डाउन आएंगे तो इस एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं लोकली। तो हम FTP के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए हम इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पब्लिक IP एड्रेस और स्टैटिक IP एड्रेस है तो इसको हम आउटसाइड से एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, तो अभी मैं इसको FTP के थ्रू एक्सेस करूँगा लोकली। तो यहाँ पर टाइप करते हैं FTP:// और इसका IP एड्रेस। तो देखिए यूज़र ने पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो सेम यहाँ पर मैं यूज़र नेम टाइप करता हूँ जो हमने चेंज किया था। तो आप ये देख सकते हैं सेम एक्सेस हो गया है। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो अब मैं कनेक्ट करूँगा USB हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले मैं पेन ड्राइव को सेफली रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिमूव, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है कैन नॉट डिटेच द लॉजिकल वॉल्यूम इन यूज़। एक्चुअली हमने इसको एक्सेस किया हुआ है FTP के थ्रू, यहाँ पर देखिए। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अगेन इसको रिमूव करते हैं, तो ये रिमूव हो गया है सक्सेसफुली। तो अब मैं इसमें USB हार्ड डिस्क को कनेक्ट करूँगा। तो मैंने USB हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर दिया है। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अगेन इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं USB डिस्क पे।
तो आप ही देख सकते हैं यूएसबी स्टोरेज शो कर रहा है 232.9 GB। तो सेम यहाँ पर यूएसबी शेयरिंग, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, तो सेम यहाँ पर देखिए टोटल साइज शो कर रहा है। एक्चुअली इसमें दो पार्टीशन है, तो यहाँ पर देखिए ये पार्टीशन का साइज शो कर रहा है और सेम ये सेकेंड पार्टीशन का साइज़ शो कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर डाउन आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये शेयर फोल्डर नेम शो कर रहा है। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे वाईफाई नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क में, तो ये दो शेयर फोल्डर शो करेगा। तो सेम मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर फोल्डर शो कर रहा है SDA 1 और SDA 2। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये हाफ सर्कल है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पार्टीशन डिसेबल हो जाएगा, मीन्स हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये पार्टीशन डिसेबल हो गया है, मीन्स SDA 1। तो अगेन मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए SDA 1 यहाँ से डिसेपियर हो गया है। अगेन मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए अपीयर हो गया है। और सेम इसको हम FTP से एक्सेस कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम USB पेन ड्राइव और USB हार्ड डिस्क को वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई नेटवर्क में और वायर्ड नेटवर्क में। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।